फ्रेंड्स, अभी आई हूँ मैं अपनी मम्मी के घर। तो दिन दिन के लिए ही मैं थोड़ी देर के लिए अपनी मम्मी के घर आई हूँ। और अभी ना यहाँ से हमारे को जाना है पैदल थोड़ा सा नीचे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का आसपास का व्यू। और मैं और पारस आए हैं। पारस यहाँ जा रहा है, हाय कर दे पारस। और पूरे हरियाली ही हरियाली। और ये रहा नीचे घर। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे जो है पहाड़ों में बसा है मेरा मायका। इधर उधर जो है अलग अलग घर हैं, जैसे होते हैं ना रिश्ते, जैसे मेरे ताया चाचा जो ही लगते हैं, जिनके घर इधर उधर आसपास हैं। और अभी जो है रोड यहाँ पे नई नई बनी है, अभी 1-1.5 साल ही हुआ है इस रोड को बने हुए, 2 ही रख लो तो, लेकिन कच्चा रोड है और बीच बीच में बहुत सारे नाले हैं, खड्डे हैं, तो बरसात में जो है थोड़ा रास्ता ख़राब हो जाता है। तो हमने ऊपर की तरफ ही गाड़ी खड़ी करवाई थी और वहीं से हम नीचे की ओर पैदल आए हैं। और वो देखिए मम्मी हमारा वेट कर रहे हैं। तो अभी जो है, और ये रहे डैडी जी, तो मम्मी डैडी ही घर पे रहते हैं और मेरे दोनों भाई भाभियाँ जो है बाहर रहते हैं। तो यहाँ मम्मी से मिलने के बाद, थोड़ी देर बैठने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। और यहाँ मैं फ्रिज में चेक कर रही थी कि मम्मी ने खूब सारे घी, मक्की और पता नहीं क्या क्या रख के रखा था, क्योंकि इनकी खुद की जो है सब्जियाँ वगैरह बहुत लगी हुई हैं, तो खीरे भी इनके लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हम ना फिर उसी का इंतज़ाम करने लगे खीरा खाने का। तो हमारे यहाँ पे ना भाबरी वाला नमक जो है खीरा खाने के लिए पीसा जाता है, तो वो यहाँ पे डैडी जी पीसने लगे और मम्मी लग गई खीरा काटने। मम्मी हाय हाय, देसी ककड़ियां खाई हैं बच्चे। मम्मी हाय हाय कर हाय 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 हाय। तो यहाँ पे लगी है मम्मी के किचन गार्डन में बहुत सारे खीरे सब्जियाँ, और यहाँ पे काट रही है मम्मी हमारे लिए खीरा। कौन सी खाद डालते हो आप अपने घर की? डालते हैं गोबर, गोबर खाद ऐसी होती है, बहुत अच्छी होती है फिर खाने के लिए। और खाद नहीं डालते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक है ना? तो यहाँ नानी का लाडला जो है हो गया है शुरू नानी के साथ काम करने के लिए। पारस करे अपने नानी के साथ चावल साफ। पारस बनाएगा हर जाए। पारस मेरे पारस खा, अच्छा खाना बनाता है। और यहाँ पे जो है हमने पहले तो हमने खाए खीरे ककड़ी हम बोलते हैं, और वो खाई हमने। और उसके बाद जो है मम्मी ने बना दिया था लंच। और लंच करने के बाद मैं अभी जा रही हूँ मम्मी का किचन गार्डन देखने, और आपको भी दिखाऊंगी। और पहले मैं आपको जो है अपने मम्मी पापा का घर दिखाती हूँ बाहर से। तो डियर फ्रेंड्स, पहाड़ों में इस तरह के घर होते हैं हिमाचल में, खुले खुले उनके बरामदे होते हैं और इस तरीके से खुले ही घर होते हैं। और आपको एक चीज़ बताऊँ, अब जो है ये लेंटर वाले घर डलने लगे हैं। जो हमारा पुराना घर है ना, वो भी स्लेट वाला घर है, तो वो जो है यहाँ से थोड़ा मतलब अलग हमारी पुरानी ज़मीन के पास है। वो आपको फिर कभी देखने को दिखाऊंगी, मतलब जब मैं थोड़े दिनों के लिए आऊँगी यहाँ। फ्रेंड्स, ये है मेरी मम्मी का किचन गार्डन। और यहाँ पे देखिए केले, घिया, कद्दू, भिंडी, बहुत सारी सब्जियाँ लगी हैं। तो यहाँ पे ना मैं प्रॉपर आपको दिखा तो नहीं पाई, बस मैंने एक ही जगह खड़े होके जो है, एक या दो जगह जहाँ खाली खाली प्लेस था ना, वहीं खड़े होकर आपको ये जो है दिखाया है। क्योंकि मतलब इतने काफ़ी जो है झाड़ था बेलों का, जहाँ मैं आगे नहीं जा पाई, बस ऐसे ही आपको दिखा दिया यहाँ यहीं से। तो इनके ना पहले पपीते के जो है पेड़ होते थे, वो इन्होंने कटवा दिए, तो अभी देखिए दोबारा से जो है पपीते का पेड़ यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। और ये जो है ना, ये पिट्ठू लग रहा है, देखना छोटा सा, कितना छोटा सा। और मक्की भी जो है यही बिल्कुल आंगन में ही, मतलब आंगन के साथ ही ये थोड़ी सी ज़मीन है। तो यहाँ पर ना मम्मी फिर जो सब्जियाँ वगैरह होती है यहीं पे लगाते हैं सारी। और ये देखिए यहाँ पे ना एक खीरा तो पक भी गया है, ये इन्होंने बीज के लिए ही रख दिया है। और ना इसी ज़मीन के साथ निचली तरफ को है नाला, जो कि आता है बहुत ही ज़्यादा जब बारिश होती है। तो अभी तो यहाँ से तो नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ा आगे जाके मैं दिखाती हूँ आपको।
नाला इतना ज़्यादा आया था ना सुबह जब मतलब बारिश हुई थी, पूरा रास्ता यहाँ पे जो है ख़राब हो गया। मैं एक मिनट अभी दिखाऊँ आपको, यहाँ से रास्ता था और यहाँ से आगे जो है रास्ता ख़त्म कर दिया इस नाले ने। और वो देखिए वहाँ पे रास्ता है, तो ये ना रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया और एक छोटा सा नाला था, अब देखिए कितना बड़ा ये हो गया है। और ये है घर के बैक साइड, मम्मी के घर की, तो और यहाँ पे ना पानी के लिए जो है इस तरह का जो है बनाया जाता है। ये देखिए, और ये पानी जो है ना फ्रिज के पानी को भी मात देता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी होता है ये। और गर्मियों में आप बस थोड़ा सा पानी यहाँ से लेके जाओ और पी लो। ये देखिए, ये जो है ना नेचुरल है, यहाँ से देखिए टपक रहा है पानी और बहुत ज़्यादा ठंडा और पूरा मिनरल वाटर के जैसा होता है इसका टेस्ट। ये देखिए इस तरह का डोर इसको बनाया हुआ है ताकि कोई भी जानवर वगैरह अंदर ना जाए। पानी देखिए ऊपर से टप टप जा रहा है। देखिए ऊपर पानी टिप टिप हो रहा है इकट्ठा। और ये रही बैक साइड, इसमें अभी काम चल रहा है तो अभी बरसात के बाद इसको जो है कंप्लीट करेंगे। पता नहीं दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा अंधेरे में। तो अभी जो है लंच मैंने कर लिया है, थोड़ी देर में और मम्मी डैडी से बात करूंगी और फिर जो है हम निकलेंगे घर के लिए, मैं और पारस। और यहाँ पे भी देखिए मक्की लगी हुई है पीछे। तो किचन गार्डन जो है पूरा मैं अंदर नहीं जा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा हरियाली हरियाली है और मम्मी ने मना कर दिया कि अंदर नहीं जाना है। तो बस फिर मैंने बाहर बाहर से थोड़ा सा आपको दिखा दिया और अभी चलते हैं घर पे। और ये रहा अमरूद का पेड़, और इसमें इतने सारे अमरूद लगे थे, बहुत ज़्यादा इसमें अमरूद लगे थे, लेकिन अभी हरे थे ना तो इतने अच्छे से इसमें दिख नहीं रहे थे। और अभी जो है मैं आपको दिखाती हूँ अपने जो घर का जो आंगन में मंदिर बनाए जाते हैं ना वो। ये देखिए, ये जो है ना बाबा कमलाइया और द्योटसिद्ध की मूर्तियाँ रखी जाती हैं आंगन में। और ये जो आप सांप वाला देख रहे हो ना, ये हमने खुद मूर्ति बनाई थी हमने ये, और मैं और राकेश बचपन में जो है, मेरा छोटे भाई का नाम राकेश है, तो हम दोनों ना मिलके जो है बचपन में हमने ये बनाई थी। और हम पूरा इस जैसे नाग देवता की सेवा करते हैं ना वैसी इसकी सेवा करते थे, और फिर जो है हमें ये मंदिर में रखनी पड़ी थी। तो इसकी ना बहुत लंबी स्टोरी है तो अभी नहीं बताऊँगी, बाद में कभी बताऊँगी आपको। और यहाँ पर फिर जी बाय बाय, थोड़ी देर के बाद जो है हम निकल चले अपने घर की ओर यानी कि ससुराल को। हम घर, अब हो गया छुट्टी खत्म। तो जैसे कि आपको पता है मैं और पारस ही आए थे तो हमने जो है गाड़ी टैक्सी ही की थी। तो यहाँ पे ना ये सबसे टफ टाइम होता है जब हम आके जब हम जाते हैं अपने ससुराल मम्मी पापा के पास से। तो अभी कुछ वर्ड नहीं है मेरे पास इसके लिए। और फिर जी ये है रास्ते का व्यू, अभी आप देखना कितना जो है यहाँ पे बारिश से जो है कितने बुरे हाल होते हैं रास्तों के। तो ये देखिए पानी, देखिए पूरा कैसे जा रहा है, बहुत ज़्यादा पानी ही पानी है हर जगह। और इस आगे जो है मैंने आपके साथ जो है जो मेरे ससुराल और मायके के बीच एक बहुत ही प्यारा सा प्लेस आता है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो भी मैंने आगे शेयर किया है। और ये देखिए सड़कों के हाल, कच्ची सड़कें हैं ना तो बहुत जल्दी जो है ख़राब हो जाती है। और देखिए किस तरह से नाले जो हैं बह रहे हैं और पत्थर ही पत्थर जो है पानी के साथ बहते हैं, तो ख़राब हो जाता है रोड, लेकिन फिर इसको जो है जल्दी ठीक ठीक भी कर दिया जाता है। तो अभी ये नया, जैसे कि मैंने आपको बताया, नया नया ही रोड बना है तो बस ख़राब भी हो जाता है और बन भी जाता है। दो तरफ से जो है मेरे मायके को रोड है, ये जो बिल्कुल ठीक वाला रोड है उसी तरफ से हम आए हैं, जो दूसरा रोड है वो ख़राब है। तो यहाँ पे मैं जो है बात भी कर रही थी बीच बीच में, मंडियाली लैंग्वेज इसमें मैंने यूज़ की है तो मैंने कट नहीं की है वो, और इसीलिए मैंने दोबारा से वॉइस ओवर किया है इसमें।
और देखिए झरने प्यारे प्यारे से, और ये जो है ये है ब्यास नदी के पारली साइड का व्यू। तो यहाँ पे ना बहुत सारे गांव हैं पारली साइड, जैसे चुल्ला, तुलहा, कोठी और बहुत सारे गांव जो है छोटे छोटे गांव हैं। तो बस जी यहाँ फिर हम निकल चले, और ये देखिए आप मौसम किस तरह का हो रहा था, और शाम का टाइम हो गया था। और ये जो है ना इस तरफ को जो है प्रॉन बोलते हैं, और ये सबसे डेंजरस रोड है यहाँ का, बिल्कुल नदी के मतलब ऊपर की तरफ, और नीचे को जो है बहुत ढांग सी है नीचे की तरफ को। तो फ्रेंड्स ये था मेरे मायके की साइड का व्लॉग जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको जो है ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो विज़िट तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे ना मम्मी ने जो है पतरोड़े बना के भेजे हुए थे हमारे लिए, और साथ में भेजी थी खीर। तो अभी इस व्लॉग का एंड भी मैं यहीं पे कर दूंगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।